नमस्कार, मैं नीरज, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से अनिल नीरी सिरप के बारे में जानेंगे। अमिल है, अनिल नहीं है, अमिल नीरी सिरप है। इसके बारे में जानेंगे, इसका उपयोग, कीमत, खुराक, साइड इफेक्ट, टोटल जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। यह अमिल यह ब्रांड का नाम है और सिरप का नाम है नीरी, ठीक है। तो यहाँ पर नीरी सिरप करके आता है, ब्रांड कंपनी है, नीरी सिरप रजिस्ट्रेशन है इस सिरप का। इसी के बारे में उपयोग, कीमत, खुराक, साइड इफेक्ट, टोटल जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 ml का सिरप आता है, एक बोतल प्राइज है लगभग 285 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल सकता है। प्राइस कम बेसी भी हो सकता है, डिस्काउंट पर भी मिलता है। एक आयुर्वेदिक दवा है, तो इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कि गोखरू, दारू, हल्दी, सहदेवी, पूर्णवा, वरुण, मकोई या काम माची, जैसे इसमें सबका देख सकते हैं जिसमें कौन सा दवा का क्या उपयोग है। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब किस सामग्री का क्या क्या उपयोग होता है, यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे को देख सकते हैं। इसमें होता है पाषाण भेदा, जैसे इसका पाषाण भेदा का काम होता है बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकने या ख़त्म करने वाले पदार्थ होते हैं। इस तरह से आप सबको देख सकते हैं, इसमें जो जो दवा मिले होते हैं, यानी जो जो सामग्री आयुर्वेदिक सामग्री मिले होते हैं, उन सब से मिलकर बनते हैं। और इस दवा दवा यानी जो सिरप से जो उपयोग किया जाता है, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसका उपयोग होता है गुर्दे की पथरी में, यानी किडनी, जिसको स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन में इसका उपयोग करते हैं। किडनी स्टोन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन, मिनरल्स जिसको बोलते हैं नमक, मिनरल्स नमक से बनी एक ठोस जमावट होती है, यानी मिनरल्स और नमक दो चीज़ों से मिलकर बनती है ये पथरी पेट में आपका। और उनका माप रेत के दाने जितना छोटा से लेकर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो सकता है। किडनी स्टोन को सबसे दर्दनाक चिकित्सक अवस्था में से एक माना जाता है। गुर्दे की पथरी आपके मूत्र पथ के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। आपके गुर्दे में आपके मूत्राशय यानी ब्लेडर तक हो सकता है, यानी आपके पथरी से लेकर आपके मूत्राशय नली तक हो सकता है। कहीं पर भी ये स्टोन आकर फंस सकता है वहाँ पे। अगर ये नॉर्मली आ रहा है फंस और पेशाब को दिक्कत नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वह नॉर्मली बाहर निकल जाएगा पानी ज़्यादा पीते हैं तो। पर अगर पाइप वगैरह में कहीं पर भी फंस जाता है, तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में इस दवा का उपयोग करते हैं, जिसे मूत्र मार्ग संक्रमण बोलते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मूत्र मार्ग संक्रमण जिसको बोलते हैं मूत्र पथ संक्रमण या UTI या पेशाब की नली में इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। सूक्ष्म जीव बिना माइक्रोस्कोप के न दिखने वाले जीव से होने वाला संक्रमण है। अधिकांश UTI बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी यह फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है। यह मनुष्य में होने वाले सबसे आम संक्रमण होता है जो कि फैलता है। अगर इस तरह से कोई भी इन्फेक्शन फैलता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। रीनल ग्लाइकोसूरिया में इसका उपयोग करते हैं, गुर्दे की पथरी में तो करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, जिसको गुर्दे की बीमारी बोलते हैं, उसमें भी इस दवा का उपयोग करते हैं। ये गुर्दे की क्या करता है, इस दवा का काम मतलब असर कैसे करता है, जैसे कि किडनी से लेकर आपके पेशाब नली तक कोई भी दिक्कत आती है, जैसे इन्फेक्शन होना, पथरी होना या रुकावट आना, तो उसमें ये नली को हल्का सा फ्लेक्सिबल करके या फिर पेशाब के जो धार होते हैं या बोल सकते हैं पेशाब को जो छानने की प्रक्रिया होती है किडनी को, उसको तेज करके ये काम करता है। खुराक की बात करें तो व्यस्क में 2 चम्मच ले सकते हैं, सिरप ले सकते हैं 2 चम्मच, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, और कभी भी दवा ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2-2 चम्मच सुबह शाम करके ले सकते हैं। उपचार लंबे समय तक जारी रह सकता है, यानी लंबे समय तक ले सकते हैं, इस दवा का उपयोग कर सकते हैं लंबे समय तक। अगर दर्द वगैरह भी है किडनी के पथरी के कारण, तो वहाँ पे भी इस दवा का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आराम मिलता है। बुजुर्ग में भी सेम डोजेज होता है, बच्चे में 1 चम्मच हो जाता है, 2 से 12 वर्ष के बच्चों में 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, और दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और बात करें साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट ये आयुर्वेदिक दवा है, तो आयुर्वेदिक दवा में साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा में ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट अगर कुछ दिखता भी है, जैसे कि आपको दिख सकता है पेट में दर्द होना,
या फिर आपके स्किन पर लालिमा आना, या फिर आपको पेट में गैस बनाना, इस तरह से अगर कोई भी साइड इफेक्ट की समस्या आपको दिखता है तो आप इस दवा को बंद करके अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। चेतावनी की बात करें तो जो महिला गर्भवती महिला में ये क्या असर करता है, तो ये मध्यम असर पड़ता है। ये अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवा का उपयोग करें। जो गर्भवती महिला है, जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि मध्यम असर पड़ता है। पेट पर क्या असर पड़ता है, तो पेट के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। और शराब के साथ सेवन कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और क्या यह सुस्त कर देता है ये दवा लेने से, बिल्कुल नहीं करता है। आप इस दवा को लेकर फ्रेश रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।